क्यों पत्नी दिया है, क्यों स्त्री दिया है? मेल खाने के लिए, साथ देने के लिए। लेकिन वो पुरुष जैसी वो बहन गिरी, नहीं तो वो स्त्री गिरी, बेवकूफ चलने नहीं जानती। क्या बोला? बेवकूफ चलने नहीं जानती। वो शब्द वो बहन के जीवन, नहीं तो दुल्हन के जीवन में ऐसा ठुकरा दिया है, ऐसा चोट पहुंचा दिया। उसने मोड़ कर मजिस्ट्रेट के सामने मोड़ के बोला, सर लॉर्ड, मैं इस पुरुष के साथ रहना नहीं चाहता हूं। जस्ट नाउ आई वांट अ डिवोर्स। अब भी इसके लिए मुझे डिवोर्स दे। कोर्ट में शादी हो गया, रजिस्टर हो गया, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर शादी हो चुका है, साइन करके पीछे निकल रहा था बेचारी, पाल बस के नीचे गिर गई। उसने कहा कि उठाना चाहिए, पकड़ के चलो कोई बात नहीं, उठो, मैं साथ दूंगा, कर उसको उठाना चाहिए था। लेकिन उस शब्द जो बोला, बेवकूफ तो चलने नहीं जानती है, उधर से डिवोर्स। दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट मैरिज है जीवन है। कभी ठोकर लग जाता है, कभी फिसल जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मुझे एक सहकारी, एक सहायक परमेश्वर दिया, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने दिया है। वो जीवन की आखिरी श्वास तक एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता है। परमेश्वर और मनुष्य और परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु का दासार में बताया, परिवार यीशु मसीह और कलीसिया को बताता है। वो पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। फैमिली लाइफ में तीसरा व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे और कोई हो, वो तीसरा व्यक्ति एंटर किया जाएगा, परिवार में कंगल आ जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में जो परमेश्वर ने एदन वाटिका को बनाकर आदम हुआ को उस वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने कहा हुआ शब्द, इस वाटिका की संभाल रखना है। जो आशीष प्रभु के मां, आज की दुनिया की सबसे बड़ी दुख की बात है, ये पीढ़ियां प्रभु की मार्ग को छोड़कर अपनी अपनी मार्ग में चल रहा है। ऐसा नहीं, हमारे पीढ़ी ऐसा नहीं, परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए, उसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला। आज से आपका परिवार संबंध हो रहा है, जैसे जो शब्द मैंने आपको बोला, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। प्रतिदिन हमें खाना दे, स्वर्गीय आशीष उन्हें दे प्रभु, ताकि उनके जीवन इस दुनिया में एक नामांकित जीवन बनने पाए, ताकि उनको देखने वाला मसीह को देखने पाए। तेजोमय मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। हमारे में कोई चुगी ना बने पाए, कोई कलंक ना बने पाए। आशीष से माला माल कर इस कुटुंब को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, प्रभु का दास होने के नाते आशीष देता हूँ, जो संपन्न होने जा रहा है। इसकी विधि करने वाला प्रभु का दास को प्रभु आशीष दे। जितने प्रिय लोग आया है, हर एक के जीवन में आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें और इस पवित्र सभा को परमेश्वर के वचन से हमें आशीषित किया, और भाई सीजो और बहन रिया को भी आपने जिम्मेदारियों को समझाया और हमें याद दिलाया। मैं आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जानना और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना और परमेश्वर की वचन की महत्वता जो परिवार के अंदर निभाता है, उन जिम्मेदारियों को हमें याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग आज के मुख्य सेवकाई के नज़दीक में आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत गाएंगे। गीत गाते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा
में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो।
ये वचन सबको ज्ञान, सब लोग जान पाए। परिवार के पीछे की मुख्य उद्देश्य यही था, अगली पीढ़ियां, मनुष्य जाति की अगली पीढ़ियां बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये परमेश्वर की योजना है। जैसे आदम निष्पाप अवस्था में था, उसी अवस्था में अगर पीढ़ियां आगे बढ़ते जाता तो आज हम देखने वाले बुरी अवस्था नहीं होता। पर आज इस वजन आपको याद दिलाने के पीछे उद्देश्य यही, मैंने एक परमेश्वर के दास के जीवन के बारे में पिछले दिनों में कुछ पढ़ा। अमेरिका यूरोप में से कुछ परमेश्वर के दास इकट्ठे होकर परिवारों से पीढ़ी पीढ़ियों से चलते आने वाले आशीषों के बारे में और श्राप के बारे में, दुष्ट बंधन के बारे में ऐसे कुछ स्टडी करता था। बहुत अच्छी टीम था, स्पिरिचुअल लोग था, बुद्धिमान लोग भी था। उन लोगों ने 18 सदी की में जीवित रहा करीब 10,000 परिवारों को चुनकर उसके पीछे की करीब 200 साल की इतिहास, ये इनके पीढ़ियां कैसे बढ़ा, उसमें इनके पीढ़ियों में क्या क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में एक स्पिरिचुअल मैपिंग है। 10,000 परिवार की स्पिरिचुअल मैपिंग है। उसके परमेश्वर के दास लोग था, अविश्वासी लोग था, फिर भी वो बराबर देख नहीं सकता, वो प्रचार नहीं करता था, वो प्रचार लिख के आता था, बाद में ऐसे पढ़ता था मंच में खड़े हो, वो क्या बोलते खाली देखकर पढ़ता था क्योंकि रोशन नहीं आंख में। ऐसे व्यक्ति था, ऐसे जो प्रचार भाषण देते थे, परमेश्वर के आपको इतने बड़े चमत्कार के अद्भुत कार्य करता था, ऐसी महाविद्या उसके द्वारा बहुत बड़ी वेदारी आत्मिक जागृति उस समय में अमेरिका में हुआ था। वह अद्भुत बात यही है, वो पति और पत्नी पूर्ण रूप में परमेश्वर के लिए समर्पित। उनके 200 साल के पीछे की पीढ़ियों के बारे में ये मार्क स्पिरिचुअल मार्किंग के द्वारा 569 लोग इनके पीडियम जन्म लिया, उनके हर एक के जीवन के बारे में स्टडी मिला किया था। इस 3,569 लोगों में से 70 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था उनका कोई बुरी गवाही नहीं है, एकदम उत्तम से उत्तम चरित्र के लोग थे। आज भी इनके स्टडी के डिटेल मिलेंगे, उसका पुस्तक आज भी उपलब्ध है, पर बहुत कॉस्टली है। मैंने एक बार उसको स्टडी का डिटेल लेने के लिए कोशिश किया था, पुस्तक लेने के लिए, पर बहुत कॉस्टली है, इसलिए मैंने ले नहीं पढ़ा, पर आज भी वो उपलब्ध है। उसमें से एक भी व्यक्ति स्मोकिंग करने वाला नहीं, दारू पीने वाला नहीं, और किसी भी तरह की नशा करने वाले एक भी व्यक्ति था। एक परिवार शुरू होकर 200 साल के अंदर इतनी पीढ़ियां बढ़ गया, उसके अंदर 3,000 570 लोगों में से एक भी व्यक्ति कभी भी किसी तरह झगड़ा में, समस्या में होकर पुलिस स्टेशन में कभी नहीं गया, जेल में कभी नहीं गया, उनके किसी खिलाफ में एक केस कभी कोर्ट में नहीं आया, कभी कोर्ट में नहीं गया, उनके उत्तम से उत्तम गवाही। और एक व्यक्ति नहीं जुड़ा, और व्यक्ति के बारे में उत्तम से उत्तम गवाही। उनके जीवन काल में जगह जगह पर परमेश्वर के नाम को महिमा किया है। बाइबल पढ़ा हुआ मुझे भी अजमा हुआ है, हम जो विश्वासी के पिता बढ़ता है, अब्राहम को भी इतनी बड़ी आशीष नहीं मिला, अब्राहम की पीढ़ी भी बीच बीच में भड़कते रहा, मूसा तो को भी नहीं मिला। नया नियम में हो, पुराना नियम में हो, किसी भी महान व्यक्ति संतों के जीवन काल में ऐसी आशीष नहीं मिला। जोनाथन एडवर्ड्स के और पत्नी परिवार के समर्पण, प्रभु के लिए पूर्ण रूप में समर्पण करने के कारण प्रभु लेते हैं उसकी आप अगर उसके समान एक समर्पण परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने आप को आपका परिवार समर्पण करता हो, आने वाला हजारों पीढ़ी आपके नाम लेकर धन्यवाद करेगी। हर एक परिवार के बारे में मेरे आशय यही है, मैं निरंतर प्रार्थना करते मेरे परिवार के बारे में प्रार्थना करते, मेरे विश्वास जीवन बहुत साल का नहीं है, भले समय में करीब अविश्वासी के समान ही था, कुछ साल ही हुआ है विश्वासी में प्रवेश किया,
इधर बैठे हुए हर एक भाई बहनों के बारे में कहते हैं, आपके परिवार जोनाथन एडवर्ड्स की परिवार के समान बन जाए, आप परमेश्वर की आशीषों को पाए, आपके द्वारा आपकी पीढ़ी पीढ़ियों में कुछ आशीष बढ़ते रहे। क्या कितने लोग चाहते हैं तेरा हाथ तुम उठाए, तेरा हाथ तुम आवाज, तेरा हाथ तुम उठाए, रईस लो, आप दोनों मिलकर जब ऐसी निर्णय लेते हैं आने वाला पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी आशीष के कारण आदर, इसके लिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा था। आदम और हव्वा फेल हो गए और उनके बहुत हजारों साल के बाद एक जोनाथन एडवर्ड्स उसको सफलता कर करके दिखाए। आज भी प्रभु सबका अवसर देते हैं, आपको भी आशीषकारी पीढ़ी आपके द्वारा उत्पन्न हो पाए। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप इसको सही रूप में सुने। गुजरात राज्य में भरूच जिला में अंगलेश्वर तालुका में अंगलेश्वर नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में क्रिश्चियन सोसाइटी प्लॉट नंबर 22 बेथेल हाउस में श्री जेम्स कुरियाकोस और श्रीमती आत्मस जेम्स का बेटा और अंगलेश्वर अगापे क्रिश्चियन असेंबली का सदस्य श्री जो जेम्स कुरियाकोस और केरला स्टेट में कोल्लम जिला में कोल्लम तालुका में इलंबल्लूर पंचायत में इलंबल्लूर विलेज में अंबिशेरिल हाउस में स्वर्गीय श्री अनियन फिलिप और डॉक्टर अनिता फिलिप का बेटी और तिरूर नडविलनाड़ी आईपीसी बेदेर चर्च का सदस्य रिया फिलिप की विवाह के संबंध में उन दोनों के माता पिता इनके परिवार की मुख्य व्यक्तियां कलिसिया की अगुए लोग इस विषय के बारे में चर्चा किया है। इस विवाह की जो कुछ बातें सकारात्मक हुई हो नकारात्मक हुई हो सारी बातों में इन्होंने ध्यान दिया है। ध्यान देने के बाद सब मिलकर एक निर्णय लिया था, वो निर्णय के अनुसार इस पवित्र विवाह की सेवा आई। आज इस समय में इसी जगह पर निभाने के लिए उन्होंने फाइनल किया। करीब 1.5 महीने के पहले इस समय के अंदर ये विवाह के संबंध में कोई कंप्लेंट शिकायत जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं मिला है, फिर भी एक आखिर वक्त के रूप में मैं कहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार और हमारे देश की संविधान की कानून के अनुसार इस विवाह को इस सेवगाई को किसी तरीके रुकावट डालने वाले किसी भी बात के आप जानकारी में है तो वो बताने के लिए आप चाहते हैं जिम्मेदार व्यक्ति को लिखित रूप में बता सकते, नहीं है तो आप खुशी के साथ प्रार्थना के साथ ये पवित्र सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बातों को सुन ले, हम सब लोग जीवित परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हैं, उसकी आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहते। वचन में लिखा है सारी बातें कुल्लम कुल्लम पड़ा है उनके आंखों के सामने। हम कितनी भी बातें छिपाते भी रहे
मन में भी रह गई। सारी गुप्त बातों को और एक मनुष्य सारी गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर के सम्मुख में हम खड़े हैं। उस परमेश्वर हमारी मनों को हृदयों को जान चुके हैं। इसलिए मैं आप चीजों को पहले पूछता हूं, इस पवित्र सेवकाई को बाधा बनने वाला ऐसा कोई भी जानकारी आपके हृदय में है जिसको ये सेवकाई को रुका सकते नहीं? साफ साफ बताइए। नहीं, मैं रिया को भी पूछता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप सब लोग, आप दोनों पवित्र विवाह सेवकाई की तरह एक होने के लिए जा रहे हैं। कोई भी बात की ऐसी जानकारी आपके अंदर है ये विवाह को रुक सकते रुका सकते ऐसा कुछ भी जानकारी है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अभी कलीसिया का भी जादु हो गया, ये भी कर दिया है, इस सेवकाई को रुकने वाला कोई भी बात नहीं है। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपके मैं पूछूंगा उस सवाल की उत्तर, आप हिंदी में हा भी कह सकते नहीं तो इंग्लिश में आप यस भी कह सकते, पर जो कहते हैं एकदम साफ साफ होना चाहिए, ऊंचे शब्द से भी होना चाहिए। आप जो कहते हैं सबको सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं स्वर्गीय परमेश्वर और जीवितों और मृतकों को न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्ग दूतों की झुंड और परमेश्वर की घराना अर्थात जीवित परमेश्वर की कलीसिया को गवाह होकर मैं सीजो को पूछता आपके दाहिनी ओर खड़े रिया को विवाह की सेवकाई के द्वारा आपका विवाहित एकमात्र धर्म पत्नी के रूप में आपके जीवन में ग्रहण करने के लिए आप निर्णय लिया है? हाँ, मैं ग्रहण करता हूं। सब लोग सुन लिया ना? नहीं सुनो, आपका निर्णय प्रभु आशीष करे। अभी मैं रिया को पूछता आपके भाई और खड़े सिजो को, आपकी विवाहित धर्मपति के रूप में एकमात्र धर्मपति के रूप में आपके जीवन में ग्रहण करने के लिए आप निर्णय लिया है? अब ऐसे से सुना है सब लोगों ने? प्रेज द लॉर्ड। एक सवाल से पूरा नहीं होते, और भी पूछना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन की हर अवस्था में बुराई भी हो सकते भलाई भी आ सकते, सुख दुख सुख आ सकते, गरीबी भी आ सकते, संपत्ति अवस्था विवादाय की अवस्था भी आ सकते, पराजय और विजय की अवस्था भी है, बीमारी की अवस्था और तंदुरुस्ती की अवस्था। जीवन की हर अवस्था में पत्नी के रूप में आपके पत्नी के रूप में पूर्ण प्रेम इसको देखकर इसको आदर करकर इसको सम्मान देकर और इसके साथ रहकर मृत्यु आपको दोनों को अलग करने तक आप इसका देखभाल करने के लिए समर्पित है? जी, मैं समर्पित। पवित्र संतों की उत्तम नमूना के अनुसार
और परमेश्वर के वचन की उत्तम वचन की शिक्षा के अनुसार एक उत्तम पति के रूप में, एक उत्तम पति की सारी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से निभाने के लिए आप समर्पित हैं। जी मैं समर्पित हूं। अब रिया को पूछता इस चीजों को, आपकी दोनों की जीवन काल में जो कुछ भी अवस्था आए, दुख आ सकते, सुख आ सकते, बीमारी आ सकते, अच्छी तंदुरुस्ती में रह पाएंगे, कभी आर्थिक समस्या आ सकते, कभी बहुत कुशल की अवस्था भी होगा, कभी कुछ पराजय की अवस्था, कभी विजय की अवस्था, कभी बुराई की अवस्था, कभी भलाई की अवस्था, जीवन की हर अवस्था में आपके विवाह धर्मबदी के रूप में इसको ही प्रेम करके, इसको आदर करके, इसको सम्मान देकर, इसको अधीन रहकर मृत्यु आप दोनों को अलग करने तक इसका सेवा करने के लिए आप निर्णय लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पवित्र स्त्रियों की उत्तम उदाहरण के अनुसार और परमेश्वर की वचन की पवित्र अध्यादेश के अनुसार एक उत्तम पत्नी के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से निभाने के लिए आप समर्पित हैं। जी सबसे, यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कलीसिया भी इस सेवकाई के लिए परमिशन दिया है, इन दोनों की हृदय की इच्छा भी सबके सामने प्रकट हो गया है, इसीलिए ये दोनों चाहते हैं दोनों हाथ मिलाकर वचन देकर वाजा बांधकर एक परिवार के रूप में एक होने के लिए चाहते हैं। तो कलीसिया की जिम्मेदारी है इन दोनों को हाथ मिलाकर एक करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में आप सब लोगों की प्रार्थना की सहायता हम मांगते हैं, पूर्ण रूप में एक आत्मिक वातावरण मंगल्यं शोभिक्कुवा करने जा रहे हैं। अब सब लोग
सब लोग प्रार्थना के साथ खड़ा है। एदन वाटिका में आदि माता पिता आदम और हव्वा की दोनों के हाथ मिलाकर सबसे पहले परिवार को स्थापना किया हुआ स्वर्ग विदा की पवित्र बलवंद और आशीषकारी हाथ के नीच में मैं अपने आप को करते हैं। उस बलवंद हाथ के अधीनता में मैं अपने आप को करते हैं। उस पवित्र हाथ की अगुवाई में मैं अपने आप को करते हैं। यीशु मसीह की तेजोमय और जीवित सुसमाचार के सेवक के रूप में परमेश्वर ने मुझे दिया गया अधिकार से मैं सिजो और रिया का दाहिने हाथ मिलाकर इनको एक परिवार के रूप में मैं एक करते हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे को वचन देकर वाचा बांधने के लिए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक समय है। आप दोनों को एक एक्सपेक्टेशन के रूप में इसकी महिमा समझाने के लिए मैं एक बात करता हूं। विलियम गेरी को जानता है? जानता है? विलियम गेरी भारत में सुसमाचार सेवा के लिए आया। अब सबको मालूम है क्योंकि जब बाइबल हाथ में लेते हो विलियम गेरी को याद करते हैं। भारत की भाषा में जब बाइबल लेते हैं बीमारी में तकलीफ में परेशानी में होकर उसके बेटा मर गया। बहुत तंगी में मुसीबत परेशानी में था। उनका पत्नी पागल हो गई। कोई छुटकारा नहीं था। उस समय हॉस्पिटल भी नहीं। कुछ समय के बाद प्रसूति लोग आकर कलकत्ता में एक हॉस्पिटल चालू किया। तभी अपनी पत्नी को लेकर विलियम गेरी उधर गया। उधर के डॉक्टर लोग उसकी पत्नी को जांच किया करने के बाद विलियम गेरी को कहा इसको चंगाई मिलने नहीं, मृत्यु तक ऐसे अवस्था में रहेगी, इसलिए आप इसको देखभाल नहीं कर सकते। आप एक काम करो, आप एक सुसमाचार की सेवा दे, आपकी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ दो, हम देखेंगे उसको, आप आपकी सेवगाई में आगे बढ़ो। डॉक्टर लोग उसको खुशी के साथ कहा हम उसको देखभाल करेंगे, आपसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मरने तक ऐसी बीमार रहेगी पक्का करके कहा। विलियम गेरी बहुत निराश हो गया। अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में देखकर पत्नी को दरवाजे से बाहर निकला। हॉस्पिटल के गेट में पहुंचने से पहले परमेश्वर की आत्मा उसको विवाह के समय में आपस में वचन देकर वाचा बांधा हुआ वचनों को याद दिलाया। बीमारी में हो चंगाई में हो मृत्यु समय अलग करने तक मैं तेरा देखभाल करूंगा, ये वचन विलियम गेरी की मन में पवित्र आत्मा जगाए। विलियम गेरी वापस हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों के पास गया, बोला मैं मेरे पत्नी को लेकर जा रही। डॉक्टर क्यों? बोला मैंने इसको विवाह के समय में मैंने इसको वचन देकर वाचा बांधा है, मैं उससे हट नहीं सकता क्योंकि मैंने इनके साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर को मैं आपको कहता हूं
इस राजा बांधने की महिमा को समझाने के लिए मैंने इस वचन को आपको बताया। बहुत लोग ऐसे ही रीति रिवाज के लिए वाचा बांधता है, उसके बारे में नहीं। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ आप हृदय की गहराई से, मुख से नहीं, हृदय की गहराई से इस बातों को आपको इनको वचन देना पड़ेगा। मैं से जो आप रिया को आज से मेरा विवाहित एकमात्र धर्मपत्नी के रूप में मेरे जीवन में ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर का वचन का व्यवस्था के अनुसार जीवन के अंत तक मैं आपके साथ वास करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं और आपके साथ रहकर जीवन विधान के लिए मैं निर्णय करता हूँ। इसी वायदा में आपको देते हैं हमारे जीवन काल में सुख में और दुख में भलाई में और बुराई में आरोग्यता में और बीमारी में संपत्ति में और दरिद्रता में विजय में और पराजय में उन्नति में और नीचे स्थिति में संतोष में और विलाप में जीवन की हर एक अवस्था में मेरी धर्मपत्नी के रूप में पूर्ण प्रेम आपको दूंगा आपको आदर करूंगा आपको सुरक्षा दूंगा मृत्यु हमें अलग करने तक आपका देख रेख करूंगा संतोंगी उत्तम मार्ग के अनुसार और परमेश्वर की उत्तम वचन के अनुसार एक उत्तम पति के रूप में जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से मैं निभाऊंगा स्वर्गदूतों को गवाह कर परमेश्वर की घराना अर्थात जीवित परमेश्वर की कलीसिया को गवाह कर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वायदा की इस वचन आपको देकर मैं आपके साथ विवाह की वाचा में प्रवेश करता हूँ आमेन। परमेश्वर आपको मनने को आशीष करे। भाई सलो परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे। जो वाचा आपने इनको दिया है वो वाचा में विश्वास जीवन की आपके जीवन की अंग तक सदा बना रहे। भाई सलो Now your turn. Hindi bara bol sakte Maria aap sijo ko aaj se mera vivahit ekmatra dharmapati ke roop mein mere jeevan mein grahan karta hu। परमेश्वर का वचन के व्यवस्था के अनुसार जीवन के अंत तक आपके साथ बात करने के मैं आपको वायदा करता हूं। हमारे हम दोनों के जीवन काल में सुख में और दुख में भलाई में और बुराई में आरोग्यता में और बीमारी में संपत्ति में और दरिद्रता में विजय में और पराजय में संतोष में और विलाप में जीवन के हर अवस्था में मेरी पति के रूप में पूर्ण प्रेम आपको दूंगा आपका आदर करूंगा आपका अधीन रहूंगा मृत्यु हमें अलग करने तक
मैं आपका सेवा करूंगा। पवित्र स्त्रियों के उत्तम मार्ग के अनुसार और परमेश्वर की उत्तम व्यवस्था के अनुसार एक उत्तम पत्नी के रूप में यह सारी जिम्मेदारियां मैं विश्वास योग्यता के साथ निभाऊंगा। स्वर्गदूतों को गवाह करकर परमेश्वर की घराना अर्थात जीवते परमेश्वर की कलीसिया को गवाह करकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वायदा की इस वजन आपको देकर मैं आपके साथ विवाह की वाचा में प्रवेश करता हूं। परमेश्वर और परमेश्वर की कलीसिया आपकी हालेलुया वचन के लिए हालेलुया आपकी वाचा के लिए गवाह है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना इनके साथ सदा बने रहेंगे। स्वर्गीय पिता मैं स्त्रियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु आपने इनको ले किया है। एक आशीषकारी जवानी की जीवन आपने इनको दिया। अच्छा परिवार में परमेश्वर के भाई रखने वाला सुसमाचार में विश्वास करने वाला उसकी सेवगाई में लगा हुआ एक परिवार में एक अच्छा पापा और मम्मी के बेटे के रूप में प्रभु आपने इनको जन्म दिया। इस दिन तक इनके जीवन की हर एक आवश्यकता के समय में आप इनके साथ रहा। आज इस महत्वपूर्ण दिन में आप इनको खुशी से लेके आए। अच्छे तंदुरुस्त दिया सही बुद्धि दिया
एक अच्छे आत्मिक जीवन आपकी आशीष उसको दिया है। प्रभु मैं इनके परिवार की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मार्ग से वो अभी तक नहीं चल रहा, आज से लेकर उस मार्ग से वो चलना शुरू करते हैं। आपकी कृपा इनको चाहिए, आपकी अगुवाई इनको चाहिए, आपसे अलग होकर एक कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आपकी आशीष की हाथ इनको साथ बना, आपके अंदर बर्दाश्त के रूप में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं इसी जो को आशीष करते हैं। प्रिय बेटी प्रिया के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, उसकी मम्मी उसके भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। उसके पिता आज इनके साथ नहीं, प्रभु फिर भी उनके जीवन काल में पुत्र पुत्री के रूप में वो इनको अगुवाई किया था। आज इस दिन में आपकी कृपा में आगे को बढ़ाकर लेके आया, एक उत्तम से उत्तम कदम रखने के लिए आपने उनको बेल दिया है। सिजो के साथ हाथ बांधा कर वजन देकर वाजा बांधने के लिए और एक पवित्र परिवार की अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु आपने इन्हें आशीष किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करते हैं इनके मम्मी के लिए, इनके भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, इनके कलीसिया की पास्टर के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, इनके अंकल के लिए प्रभु, इनके आदि के लिए, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग ने इनका अगुवाई किया है, आज इस दिन में उनको लेके आया है, इस बेटी को एक आशीषकारी पारिवारिक जीवन आप इनको दीजिए। ये दोनों निरंतर आपके सम्मुख में घुटने टेककर प्रार्थना करकर आपकी अगुवाई को पाने में इनको सहायता करें। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा इनसे बात करें, एक उत्तम पारिवारिक जीवन इनको प्रदान करें। प्रभु आपकी एक दास के रूप में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मिस बेटी को आशीष करते हैं और छोड़ना नहीं। कलीसिया के समूह में ये दोनों एक दूसरे को वचन देकर वाचा बांधकर एक ही नई परिवार को आपके समूह में शुरू किया है, उसके लिए परमेश्वर की कलीसिया गवाह है, परमेश्वर गवाह है, स्वर्गदूत गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सुसमाचार के सेवक के रूप में मैं विश्वास करता हूं, भजन में लिखा है स्वर्गोपति का सारी घराने के नाम रखने वाला परमेश्वर आज पृथ्वी में एक नई घराने के नाम लिख दिया है, रख दिया है। इसलिए ये दोनों आज से लेकर पति पत्नी के रूप में एक उत्तम परिवार में पारिवारिक जीवन में आगे की ओर बढ़ेगी। सिजो पति है, प्रिया पत्नी है और आज से लेकर ये मिस्टर सिजो और मिसेस सिजो के रूप में पहचाना जाएंगे। आप अंगीकार करते तो आमीन बोलकर अंगीकार कर दीजिए। आमीन। अभी अपनी
ब्रदर अनिल जोर आगे की ओर आ गई। अनिल हाँ आपने बीच में छूट गया था, आ जाएंगे तो दोनों आप लोग परमेश्वर दास दोनों आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे। पास्टर परमेश्वर दास जो भजन की भाग बढ़ेंगे बोले സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ, ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് സകലത്തിനും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ. അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് തറ ചുളുക്കം മുതലായവ ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും തൻ്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തുക അത്രേ ചെയ്യുന്നത്. നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ. അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും. ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതായി സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രഭു കി ദാസ് നേ ജോ വചൻ പഠാ ഹേ ആപ് ലോഗ് ബാർ ബാർ പഠാ ഹോ വചൻ ഭാഗ് ഹേ പർ ഭീ വിവാഹ കേ സമയ മേ മേരേ വിശ്വാസ് ജോ വചൻ പഠതാ ഹേ ആപ് ലോഗ് ഭൂലേഗാ നഹീ ഭൂലേഗേ നഹീ ഭൂലേഗാ യാദ് രഖേഗാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. और एक वचन और पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय की 3 से 6 तक का भाग ब्रदर अनिल जोर पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुन लें। तब फरीसी उसके परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहना रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। उसी वचन और एक बार पढ़ लीजिए, उसी वचन वही वचन सब लोग ध्यान सुन लेना। से वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। ये जो वचन में तीन बार इधर पुकारेंगे, तीनों बार आप इसको आमीन कहकर अंगीकार करना है। साथ साथ जितने लोग इधर पढ़ा हुआ इस वचन को विश्वास करते हैं वो लोग भी आमीन बोलकर इसको अंगीकार करना है। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना कर। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना कर। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना कर। प्रभु आप दोनों को आशीष करे। अभी आप हाथ छोड़ सकते हैं। जो को मैं बधाई देना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको बहुतायत रूप में
आशीष दे। अभी हमारे बीच में पास्टर बिजमन हमारे बीच में है, जो अंकलेश्वर आईपीसी से है, वो हमारे बीच में आकर भजन संहिता को पढ़कर जो है हमें आशीषित करेगा। क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन। अब ये गीत गाएंगे उस समय में सिजो और रिया, आगे जो आएंगे आप दृश्य में सहन करेंगे। सब लोग कृपया करके आगे आए, हम सब लोग मिलकर